सिर्फ पाकिस्तानी आवाम से गुजारिश करूंगा, हमारी साइट्स को बंद किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। हमारी आवाज को फैलाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसको हक समझते हैं तो इस आवाज को रुकने ना देना। पहले मुसलमानों के किरदार पे आना, उर्दुन से तमाम असला इसराइल का पास किया जा रहा है और उर्दुन के अड्डों से अमरीकी जहाज उड़ के शाम में ईरानी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। तुर्की, लेट स्टार्ट वन बाय वन। मैं पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के उर्तुगल गाजी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। उसकी पार्लियामेंट में उठी हुई उनकी एक सियासी जमात के कायद की क्लिप दी, इधर चलाएं बिस्मिल्लाह। अच्छा, लेकिन इनका किरदार क्या है? तुर्की की पार्लियामेंट है जिसमें बात हुई है, मैं चाहूंगी कि उनकी नुमाइंदा क्या कह रही है, जो इन्होंने मुझे यूएसबी में दिया है वो जरा चलाइएगा। हां, पार्लियामेंट। Değerli milletvekilleri, bu insanlık ayıbı karşısında maalesef ülkemizi yönetenlerden İsrail'i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek bir somut adım görmedik. Mesela İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ticari ilişkiler var. Peki bu ilişkiler askıya alındı mı? Hayır, alınmadı. Mesela Kürecik radar üssü var değil mi? İran'dan İsrail'e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanıyor. Peki bu üs kapatıldı mı? Hayır, kapatılmadı. Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. A Haber'de, Yeni Şafak'ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Milletimiz televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz, ağlak tavırlarınızla Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı artık kimse yemiyor. मैंने आज कुछ चीजें इस तरह की पढ़ी भी थी जो आपने ये आवाज सुनाई। अगर कि पॉलिसी अगर उर्दुगान फौज बना रहा है तो पहले जाके जो इसराइली अड्डा दिया हुआ है अपने ही मुल्क के अंदर उधर हमला करो। अलाक लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन व मुनाफिकीन व मुशरिकीन व मा अलैना इल्ला अल बलाउल अज़ीम। दैट्स ऑल। ओके, ये मुसलमानों का किरदार।